अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज के ऊपर, जिन स्टोरीज का तस्करा आज हम यहां पर करने जा रहे हैं। सीएम हाउस में कुछ देर में बड़ी बैठक के इम्कान वाजे कर दिए गए हैं। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, वजीर आदम शहबाज शरीफ की खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रबता, और बड़ा काबिल गौर जो है वो ये मसला रहा। रहनुमाओं की अफाम व तफीम से मामला हल करने की यकीन दहानी भी सामने आ चुकी है खालिद मकबूल सिद्दीकी को, जबकि शर्जील इनाम मेमन ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आखिरी में ये कहते नजर आए कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद नहीं रोक सकती है। यह भी कहा कि पुलिस और रेंजर्स को पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया जाए, हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर, जबकि कराची में हसास इदारों का इजलास हुआ। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पर शदीद तहफुजात का इजहार करके इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख दिया गया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं, इलेक्शन मुलतवी किए जाएं वाज़ेह तौर पे कहा गया, जबकि इलेक्शन के लिए 62,000 पुलिस अहलकारों की जरूरत है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन भी पीछे ना रहे, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से आज रात अहम ऐलानात मुतवक्के हैं, ज़राए बता चुके हैं। जबकि एमक्यूएम की अगर बात की जाए तो बल्दियाती इलेक्शन से फरार का इल्जाम आज एमक्यूएम मुस्तरद करती नजर आई है। 3 करोड़ के शहर को 1.5 करोड़ दिखाने से मसाइल हल नहीं होंगे। फैसल सब्जवारी भी आज खूब गर्जे बरसे, जबकि सेनेटर फरोग रसीम की अगर बात की जाए तो वाज़ेह तौर पर कानूनी पैराए में कहा कि सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन वापस लिए जाने के बाद कोई हल्का बंदियां नहीं रही हैं, जबकि यह भी कहा कि नई हल्का बंदियां होने तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं किए जा सकते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार जब मैदान में आए तो कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना तो तौहीन अदालत है और ना ही तौहीन इलेक्शन कमीशन है, जबकि जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना मुलतवी किया था जब इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई थी कि इलेक्शन होंगे। बहरहाल आगाज करेंगे इन तमाम स्टोरीज के हवाले से जो आज शहर में होता रहा। कल हमने प्रोग्राम जब ख़त्म किया तो उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि शर्जील इनाम मेमन ने ये कहा कि कराची और हैदराबाद डिवीज़न के अंदर इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। फिर आज के रोज़ हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में जाते ही है दरख्वास्त सिंध हुकूमत की जानिब से, वो मुस्तरद कर दी जाती है। फिर उसके बाद एमक्यूएम की बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुस्तफ़ा कमाल भी मौजूद थे, फरोग रसीम भी मौजूद थे, वसीम अख्तर भी मौजूद थे, और डॉक्टर फारूक सत्तार भी मौजूद थे, और फैसल सब्जवारी भी मौजूद थे। फैसल सब्जवारी बड़े तंज के निश्चर बरसाते नजर आए और खास तौर पर फरोग रसीम कानूनी पराए में बात करते नजर आए। क्या कुछ कहते नजर आए, पहले आपको वो सुनवाते हैं। मुत्तहिदा की मुत्तहिद शराफत से ना सारे कागजी बदमाश परेशान हैं, सिवाय हमारे, हम कोई परेशान नहीं है, हम मुत्तहिद हैं और बहुत शरीफ हैं, शराफत से ही काम लेंगे। कागजी बदमाशों को परेशानी है इसलिए वो बयान दाल। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जब डिटरमिनेशन ऑफ यूनियन काउंसिल्स और यूनियन कमेटीज का नोटिफिकेशन विथड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब है कि कोई आज की तारीख में डीलिमिटेशन मौजूद नहीं है, कोई, क्योंकि जब बेसिक ऑर्डर नहीं है तो सुपर स्ट्रक्चर भी अवॉइड है, कुछ नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से जो है वो एमक्यूएम ने कहा है कि भाई अब नहीं हो सकते इलेक्शन, क्योंकि सिंध हुकूमत का जो है वो नोटिफिकेशन वापस लेना, फिर इलेक्शन कमीशन कैसे करा सकता है। फिर हमने आपको बताया कि शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि अब हम नहीं रोक सकते इलेक्शन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है, लेकिन अभी हमारी इतलात के मुताबिक राबता कमेटी के सारे इख्तियार खालिद मकबूल को दिए गए हैं। ये कहना है अमीनुल हक साहब का, जो कि सीनियर रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान के, और अब गवर्नर हाउस खालिद मकबूल साहब और दीगर अराकीन राबता कमेटी रवाना हो चुके हैं, बड़ी बैठक चुकी है। तो फिर इम्कानात अभी ये हैं कि इसके बाद रात 12 बजे के बाद बड़े ऐलानात किए जाएंगे। इस वक्फे के अंदर वजीर आला हाउस के अंदर भी एक बैठक लगनी है जिसमें एमक्यूएम की जानिब से भी लोग होंगे और साथ साथ वजीर आला हाउस के अंदर सिंध हुकूमत की भी जो डेलीगेशन है वो भी मौजूद होगी, क्योंकि जरदारी साहब ने भी कह दिया है और वजीर आजम ने भी कह दिया, यकीन दहानी कराई गई अपने इत्यादियों को मनाने की। लेकिन इस तमाम सिनेरियो के अंदर जमात इस्लामी का बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रहा है पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर, और बड़े तंज के निश्चर बरसाए गए कि ये राय फरार इख्तियार कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी हो, जिसको सिंध हुकूमत कह लें आप, या फिर एमक्यूएम पाकिस्तान हो, या फिर जिसको जुड़े हुए धड़ों की जो है वो तश्कील शक्ल इख्तियार करते हुए नाम देते हैं, ये सब राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। पहले जमात इस्लामी का मौकफ आपके सामने रखेंगे। रानुमा जमात इस्लामी डॉक्टर उसामा रजी हमें ज्वाइन कर चुके हैं कॉल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये तमाम सिनेरियो जो इस वक्त बनता दिखाई दे रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर इलेक्शन मुलतवी होने के इम्कान जो है वो ठोस हो चुके हैं, पक्के हो चुके हैं, क्या लगता है जमात इस्लामी को? जी बहुत शुक्रिया, आपने कराची के 3.5 करोड़ मुस्तरिब और बेचैन लोगों के जज्बात को जुबान दी है और इस मसले को उठाया है। देखिए ये जो मसला है बुनियादी तौर पे इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती का मसला है, और
چند عناصر جو کہ اپنی طاقت اور سازشوں کے بل پر اس وقت اس ملک کے اوپر مسلط ہیں اور کسی کو سندھ ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے, کسی کو اشارے کے ذریعے جو ہے وہ جمع کر دیا گیا ہے, کسی کو جو ہے وہ ڈوریوں کے ذریعے ہلانا جلانا شروع کر دیا ہے, اور کوئی دور سے بیٹھ کر کوئی جو ہے مذہبی لبادے میں اس قسم کے وطن دشمن عناصر کو جو ہے وہ فون کر کے آئین شکنوں کو, عوام دشمنوں کو, جمہوریت دشمنوں کو فون کر کے منا رہے ہیں اور وہ اس کے ذریعے اپنا جو مذہبی لبادہ ہے اس کو چاک کر رہے ہیں. اس قسم کے جتنے عناصر ہیں اور جس کو اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے اور وہ اپنی کرسی کے غم میں گھلتا ہوا جو ہے وہ ان کو جو ہے تسلیاں دے رہا ہے, بنیادی طور پہ یہ جو چیز ہے یہ جمہوریت کے خلاف ان سازشی اور کرپٹ اور بدترین سیاسی خائنوں کا ٹولہ ہے کہ جو اس وقت اس پورے کھیل کے اندر انوالو ہے. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے, ملک کے مفاد میں کیا ہے, جمہوریت کے مفاد میں کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کون کون سے ایسی سیاسی جماعتیں جو انوالو ہیں کہ الیکشن نہ ہو؟ نہیں, جو یہ ساری پارٹیاں ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم میں شامل ہیں. اچھا, وہ ساری پارٹیاں جو ہیں اس گھراؤنے عمل میں شامل ہیں. مطلب صرف پی ٹی آئی اور آپ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے؟ آپ پی ڈی ایم میں نہیں ہیں, پی ٹی آئی بھی نہیں ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کے حوالے سے اس وقت پی ٹی آئی والے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے, لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد میں جب ہیئرنگ ہوئی تھی ان کی, تو ان کے وکیل نے وہاں ریکارڈ پہ یہ بات کہی تھی کہ وہ الیکشن نہیں چاہتے. لیکن چلیں, دیر آیا درست آیا. نہیں, آج تو دھرنا دیا ہے باقاعدہ. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹے تو اس کو بھولا نہیں کہتے, اور ہم بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بہت بھولے بھالے ہیں. لیکن بہرحال وہ جس پوزیشن جو انہوں نے اس حوالے سے پوزیشن لی ہے. لیکن ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر علی زیدی نے حافظ نعیم صاحب کو بھی آفر دی تھی کہ آئیے مل کر جو ہے وہ اپنے ووٹر کو جو ہے وہ آگے لے کر آتے ہیں, اور ان کا دھرنا اور ان کی جو ریلی تھی جب شارع فیصل بلاک کرنے کا کہا تھا کہ ان کے جو اراکین ہوں گے دھرنے کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کی تعداد کم دکھاتے ہیں, تو وہ تو بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں آپ کا. بڑا دیکھیے عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جی کہ عمران خان کی لیڈرشپ اس ملک کے اندر بہت زیادہ اسٹیبلش ہے اور بہت زیادہ مقبول ہے. ٹھیک ہے, اور کراچی میں میں ذرا اپنی بات پوری کر لوں گا. صرف لیڈرشپ سے جو ہے نا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, اور نہ کوئی سپر مین ہوتا ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کیڈر نہیں ہے, کوئی ایسا نیوکلیس, کوئی ایسا سیل, کوئی ایسی پارٹی, آرگنائز پارٹی, کوئی ٹرینڈ پولیٹیکل ورکرز نہیں ہے کہ جو ڈیلیور کر سکیں. اور علی زیدی ان لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جو سیاسی نالائقوں کی نالائقیت کا شاہکار ہیں, وہ پورے سندھ کے سربراہ ہیں, اور وہ عمران خان کو دھیلا برابر بھی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے. ایون یہ کہ نواز شریف کے ساتھ پورا پنجاب کھڑا تھا, پنجاب جو ہے وہ پلٹ گیا ہے عمران خان کی طرف, لیکن سندھ کے اندر علی زیدی کی جو پرفارمنس ہے, انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی دوسری, وہ تو اپنی چیزیں کریں. ان کو تو یہاں پہ 14 NA کی اور 24 صوبائی اسمبلی کی نمائندگی حاصل ہے, انہوں نے کیا پرفارمنس دی ہے؟ اچھا میں ایک جملہ اور ایڈ کر دوں. ابھی پریس کانفرنس ہو رہی تھی, اس میں پی ٹی آئی کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھی موجود تھے, اسد عمر صاحب بھی موجود تھے, علی زیدی بھی کہتے نظر آئے کہ سندھ حکومت کبھی کہتی ہے کہ سیکیورٹی, 5 بجے تک کہتی ہے کہ سیکیورٹی ٹھیک ہے, 7 بجے کے بعد کہتے ہیں کہ سیکیورٹی خدشات ہیں, کبھی عمران خان صاحب کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں. ابھی لیٹسٹ ان کا یہ نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا, کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, میں تو صرف علی زیدی کا آپ نے ذکر کیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ اور کراچی کے وہ ذمہ دار بنتے ہیں, اور انہوں نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا. مجھے افسوس یہ ہے کہ اس کے ذریعے یہ عمران خان کی لیڈرشپ کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک سوال اور ہے, ناقدین کی رائے بھی ہے اور قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں جماعت اسلامی کے لیے کہ جب سے ایم کیو ایم کے جو بچھڑے ہوئے روٹے ہوئے لوگ تھے متحد ہوئے ہیں, تب سے جماعت اسلامی جو کراچی ونگ ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بول پڑا ہے, وہ زیادہ آواز اٹھا رہا ہے, تو کیا کچھ خطرات لاحق ہے؟ نہیں کرا, جماعت اسلامی تو کب نہیں بول رہی تھی, اور جماعت اسلامی نے کب کم بولا ہے؟ نہیں, آپ کو یاد ہوگا پرسوں کی بات ہے, حافظ نعیم صاحب کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کے اندر ہی جو سیاسی دھڑے مل کر بیٹھے ہیں یہ سازش کر رہے ہیں. کیسی سازش یار؟ یہ جو سیاسی دھڑے ہیں یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں یہ. اچھا, یہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں یہ. پھر کیا ہے یہ؟ تو یہ تو گملے کے پودے ہیں یہ. یہ جو ہے یہ پلانٹڈ پارٹیز ہیں یہ.
ये उस तरह की जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ी हैं। मतलब डॉक्टर साहब ये तो ज्यादती हो गई ना, इंफरादी हैसियत तो रखती थी, पीएसपी एक सियासी जमात हुआ करती थी। डॉक्टर फारूक सत्तार 22 अगस्त के बाद सरबरा रहे एमक्यूएम पाकिस्तान के, फिर अलग कर दिए गए। आज वो लोग जो 30-30 साल से सियासत कर रहे हैं एक ऊपर बैठे हुए, आप कह रहे हैं कि ये तो प्लांटेड है, इनको हका कर जमा किया गया है। और आपने मुस्तफा कमाल का वो जुमला सुना नहीं कि हम जब से शरीफ हुए तो भाई वो दूसरे लफ्जों में क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये कि पहले वो क्या थे? वो तो एडमिट कर रहे हैं ना। तो आधा आधा अगला जुमला भी तो सुन ले कि सारे बदमाश हो गए। इकरार कर रहे हैं, वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि उन्होंने शहर कराची को तबाह बर्बाद किया। डॉक्टर साहब आपने ये ज्यादती कर दी ना, आधा जुमला पकड़ लिया मुस्तफा कमाल का, और अगला जुमला भी तो पकड़े ना कि सारे बदमाश हो गए, उसकी भी वजाहत कर देना। पहले आधे पे बात होगी फिर अगले की बात होगी ना। और सारे क्या हो गए? क्या यहाँ पे बाकिया लोग बोरीबंद लाशों का कल्चर यहाँ पे लेके चल रहे हैं क्या यहाँ? नहीं तो मुझे एक बात बताएं, जमात इस्लामी नहीं समझती क्या हल्का बंदियों के ऊपर आवाज उठनी चाहिए? क्या मेयर के इख्तियार पर आवाज उठनी चाहिए? क्या न्यू वोटिंग लिस्ट के ऊपर आवाज उठनी चाहिए? क्या यूसीज की जो आबादी कम ज्यादा की उस पर आवाज उठनी चाहिए? देखिए बात उठी है कि यहाँ पे इंतखाबात के का जब ऐलान हो जाए तो इंतखाबात से एक हफ्ते पहले और दो हफ्ते पहले जो है जाली एडमिनिस्ट्रेटर या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स का तकरूर नहीं होना चाहिए, ये भी धांधली है। बिल्कुल ऐसा ही है, तह दर तह धांधली है। और ये धांधली करवाने वाले नहीं, तो वो तो नोटिफिकेशन वापस कर दिया गया ना एडमिनिस्ट्रेटर्स का। नहीं आप इस पर गौर करें ना कि इस सेंसस को लेजिमिटेट किसने किया? पीटीआई और एमकेएम की गवर्नमेंट ने। तो एमकेएम तो उसमें शामिल है ना भाई। आप मुझे बताएं ना, ये जब इन्होंने गवर्नरशिप ले ली, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर ले लिए, डॉक्टर साहब ये चीज आपकी बात काबिल कबूल है कि ये तमाम चीजें एतराफ करती रही है पीपल्स पार्टी भी कि हमने सिफारिशात की हैं इन चीजों के लिए, ये डील थी जो लिखी गई थी बाकायदा। सवाल ये है कि क्या इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं जमात इस्लामी को? सवाल ये है कि एमकेएम ये फ्रॉड कब तक करेगी और उसने कराची के लिए क्या हासिल किया अब तक? डॉक्टर साहब जमात इस्लामी को इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं वो इस किस्म के, वो थोड़ी बोल रहे हैं सर, है ये सरे आईना मेरा अक्सर पसे आईना कोई और है। डॉक्टर साहब आईना पसे आईना की बातें भी कर लेंगे लेकिन इलेक्शन होते दिखाई दे रहे जमात इस्लामी को? यार आईन और कानून क्या कह रहा है? अगर आईन कह रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए तो इलेक्शन होने चाहिए। ये क्या बात है कि दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? ये क्या, ये मुल्क किसी की क्या बांधी है क्या? जमात इस्लामी ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी जोर शोर से कैंपेन चली है, सोशल मीडिया पर आप ट्रेंडिंग पे हैं, सड़कों पर आप ट्रेंडिंग पर हैं, तो क्या इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल होने चाहिए, होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो शहरियों मतलब नजर आ रहे हैं। चले ठीक है बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा रजी, हमारे साथ मौजूद थे। जमात इस्लामी का मौकफ सामने आ चुका है, जमात इस्लामी सबसे ज्यादा आवाज उठाती दिखाई दे रही है जब से एमक्यूएम के जो बिछड़े हुए रूठे हुए लोग हैं वो मुत्तहिद हो चुके हैं। और एमक्यूएम की अगर बात की जाए तो एमक्यूएम की आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें वाजह तौर पर कहा गया, फैजल सजवारी की जानिब से भी कहा गया और फरोग नसीम की जानिब से भी कहा गया, कानूनी पैराए पर बात की गई है कि नई हल्का बंदियां जो नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत ने वापस लिया है उसके बाद इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, क्या कानूनी गुंजाइश मौजूद है? इन तमाम चीजों पर वजीर अला हाउस के अंदर बैठक लगने इम्कानात भी हैं आज रात को, और रात की तारीकी के अंदर कुछ फैसले होते दिखाई देंगे। उससे पहले हमने आपको यह भी बताया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी राबता कमेटी के जो अराकीन हैं उनके हमरा गवर्नर हाउस जा चुके हैं, गवर्नर साहब की तबीयत कुछ नासाज थी लेकिन आज टेलीफोनिक राबता भी किया गया खालिद मकबूल सिद्दीकी से। गवर्नर हाउस के अंदर ये जो मुलाकात होने जा रही है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, वो अहमियत की हामिल इसलिए है क्योंकि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ये जो शख्सियत है ये इस तमाम सिनेरियो के अंदर मरकजी किरदार की अहमियत रखते हैं। ये आते हैं रातों रात और फिर पार्टी के अंदर शमूलियत अख्तियार करते हैं, फिर गवर्नर का ओहदा इन्हें दिया जाता है। गवर्नर का ओहदा दिए जाने के बाद सबसे पहला काम इनकी मुलाकातें शुरू होती हैं, वफाक से भी शुरू होती हैं, एमक्यूएम की सियासी बिछड़े हुए रूठे हुए धड़ों से भी मुलाकातें शुरू होती हैं और एक करने में कामयाब होती है ये शख्सियत। उसके बाद फिर ये तमाम सिनेरियो आगे बिल्ट होता है कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, तो उसमें मरकजी किरदार है गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का। बहरहाल अब देखना यह है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, एक तरफ पीटीआई है जो आज धरना देकर बैठी रही, जमात इस्लामी थी धरना पोस्टपोन कर दिया, और दूसरी सियासी जमातें हैं वो धमकियां में स्टेटमेंट भी दे रही हैं,
ये तमाम चीजें हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इस वक्त सबसे टॉप पर जमात चल रही है और जिसने सारी सियासत को बदल कर रख दिया है वो है एमक्यूएम पाकिस्तान। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल वसीम ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल। वसीम साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा इस वक्त ये जो सिनेरियो आज बिल्ट हो चुका है, कल रात को ऐलान होता है शजीर इनाम मेमन कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, एक इत्मीनान हो जाता है, एमक्यूएम अपने मौकफ में जीत जाती है, फिर सुबह सवेरे इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देता है दरखास्त को, फिर शजीर इनाम मेमन कहते हैं कि इलेक्शन नहीं रोक सकते हैं, इलेक्शन होंगे, उसके बाद फिर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया जाता है। ये तमाम सिनेरियो आज पूरे दिन हम देखते रहे एमक्यूएम की जानिब से, फिर वजीर आजम की कॉल है, आसिफ जरदारी की कॉल है, मौलाना फजल रहमान की कॉल है, और अभी गवर्नर हाउस के लिए रवानगी है खालिद महमूद सिद्दीकी। आज क्या होने जा रहा है रात को? देखिए, वैसे तो आपको पता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शुरू से, और ये टाइम हो गया हम कराची की जो मुश्किलात है मसाइल है उस पर बात कर रहे हैं, जो डिलिमिटेशन की गई है, जिस तरह जो है मर्दमशुमारी की गई है, जिस तरह कराची की इकोनॉमी से खेला जा रहा है, जिस तरह इदारों की मुश्किलात हैं, जिस तरह कराची को चलाया जा रहा है, हम शुरू से अवाम की मुस्तकिल बात करते आ रहे हैं। और आज जो पोजीशन है वो जो जब सुना नहीं जाता तो फिर एंड में यही होता है, क्योंकि डिलिमिटेशन इस तरह की गई है सिंध में के मखसूस इलाकों में जो है 30,000 रुपए क्यूसी बना दी गई है, ठीक है, और जो हमारे इलाके हैं या जहाँ हम हमारा वोटर है वहाँ 80,000 रुपए बना दी गई है। मुझे बताएं कि 30,000 और 80,000 या 90,000 में, वैसे हमारे इलाकों में 3 UC बन रही है, उनकी 1 UC बन रही है, तो मुझे ये बताएं कि मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? इस शहर के साथ मुसलसल ये होता आ रहा है, मर्दमशुमारी में कम गिना गया, अब जो है ये जो हल्का बंदियां करके जो मजीद जो है वो कराची को मसाइल का शिकार बनाने जा रहे हैं। तो हम मुसलसल एक साल से ये पटिशन भी लगाते आ रहे हैं इदारों में और ये एहतजाज भी करते चले आ रहे हैं, लेकिन जब नहीं सुना जाएगा तो लोग फिर क्या करेंगे? रोड पे आएंगे, और हम ये भी कहते रहे कि हम रोड पर आ जाएंगे अगर चीजें हमारी नहीं सुनी गई या नहीं मानी। नहीं, रोड पर सड़क पर आने की बात की डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि एमए जिना पर नहीं बल्कि शारे फैसल पर धरना दिया जाएगा। फिर उसके बाद आज हम ये देखते हैं कि आज जो डेवलपमेंट हुई है वो कहीं ना कहीं बॉल एमक्यूएम के हाथ से निकलती दिखाई दी, फिर ये जराए ने बताया कि आप लोगों ने इस्तीफे मांग लिए हैं अपने एमएनए से, और फिर अलहदगी का ऐलान भी कर दिया है क्या पीडीएम से या वफाक से, इज दैट ट्रू? देखिए, अभी अलहदगी का ऐलान नहीं किया, लेकिन हम भी मजबूर हैं, कब तक जो है ये वादे वही सहते रहेंगे? माजी की हुकूमतें भी ये वादे करती हुई चली गई, हमने उनका साथ छोड़ा, मजीद जो हुकूमतें हैं उनसे भी हमने लिखा पढ़ी करके तमाम सियासी पार्टियों के अकाबरीन से साइन कराकर इस शहर के मसाइल के लिए बात की। हम अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे, हम चाहते हैं कि इस शहर के मसाइल हल हों, अगर वो भी नहीं सुना जाता तो फिर हमें हुकूमत में रहने का या हमारे एमएनए एमपीए रहने का फायदा क्या है? तो जो अवाम है वो ये समझती है कि एमक्यूएम ने पिछली हुकूमत से भी एक एमओयू साइन किया था, मुझे याद है खान साहब से, फिर इतनी जो है वो दोस्ती और याराना था कि एमक्यूएम के नाराज होने पर वजीर आजम साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब खुद बादराबाद के दफ्तर पर आए थे, आपको याद होगा, फिर एमक्यूएम ने अलहदगी इख्तियार की 3.5 साल के बाद, अभी पीडीएम से राबता किया, पीडीएम के साथ मुआहदा हुआ, फिर इमरान खान के अगेंस्ट पूरी अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए, अब ये एडमिनिस्ट्रेटर लग जाना, डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लग जाना, गवर्नर लग जाना, कायमा कमेटी के चेयरमैनशिप मिल जाना, मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाना, ये तमाम चीज़ों के बाद एमक्यूएम ने हल्का बंदियों के ऊपर धरने की और एक मुत्तहिद होने की बात की, अवाम में तासुर ये जा रहा है कि एमक्यूएम अपने लिए करती रही है। देखिए, तासुर तो ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये तो चंद लोगों की सोच या राय तो हो सकती है जो आप कह रहे हैं, लेकिन अक्सरियत जो है इस बात को जानती है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज नहीं, एक साल से ज्यादा हो गया, हमने अदालतों के, इलेक्शन कमीशन के, सुप्रीम कोर्ट के और सिंध हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं, और कुछ चीजों पर हमें फेवर भी मिला किसी हद तक, जैसे 140A का फैसला आया उसमें हमें ये फेवर मिला कि जी पाकिस्तान में किन बुनियादों पर बलदियाती इख्तियार होने चाहिए और किसके पास होने चाहिए और किस तरह होने चाहिए, ये भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कामयाबी थी, लेकिन आज तक उस पर भी जो है कोई कानून साजी नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे। तो हमारी तकलीफ तो यही है कि हम चाहते हैं कि इख्तियार मिले, डिलिमिटेशन गलत की गई है, आवाम को डिलिमिटेशन की वजह से जो है जो तकलीफ होंगी आगे, जो सियासी विसात बिछेगी वो तकालीफ आवाम को फेस करनी पड़ेगी, बाहर के लोगों को आए हुए या चंद लोगों को
बरसाती मेंढक बन के निकलने में जो है वो आगे कैसे काम चलेगा, कराची शहर कैसे चलेगा बगैर इख्तियार के। वसीम साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, लेकिन आखिर में एक सवाल ये करना चाहूंगा, गवर्नर हाउस मुलाकात जो है वो होने वाली है या शुरू हो चुकी होगी, खालिद महमूद सिद्दीकी साहब और दीगर अराकीन भी हैं, फिर वजीर हाउस के अंदर भी एक बैठक लगनी है, आज रात क्या प्रेडिक्शंस हैं, इलेक्शंस होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं? देखिए हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन वक्त पर हो, बुनियाद पर और इस डिलिमिटेशन की बुनियाद पर होगा तो इलेक्शन हो, लेकिन वक्त पर हो क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन 15 जनवरी को चाहते हैं कि इस हम 15 जनवरी को नहीं चाहते, हम चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन डिलिमिटेशन के बगैर कैसे हो सकता है? कि गलत तरीके से डिलिमिटेशन कर दी गई है, आज सही कर दे डिलिमिटेशन, कल से इलेक्शन करा ले, परसों से करा ले, हम मना नहीं कर रहे इलेक्शन के लिए, इससे हमें फायदा नहीं होगा, लेकिन हम कराची शहर को ताकतवर करना चाहते हैं कि कराची शहर ताकतवर हो, जीते कोई भी आए, जिसको वोट पड़ेगा वो जीतेगा, जिसका ताकत होगी जो जीतेगा यूसी वो मेयर बनेगा, तो हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि मतलब इलेक्शन ना हो, लेकिन उसका तात्पर्य ये बना दिया गया कि शायद हम इलेक्शन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कराची की जो डिलिमिशन जाली बुनियादों पर की गई है उसको सही कर लिया जाए तो फिर इलेक्शन करा लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल वसीम हमारे साथ मौजूद थे एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से, हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो लेकिन 15 जनवरी को ना हो, डिलिमिटेशन का जो मसला है उस मसले को हल करने के बाद कल चाहें हल कर दें मसला तो परसों इलेक्शन करा लें। बहरहाल अब देखना यह है जो डेवलपमेंट होने जा रही है, गवर्नर हाउस के अंदर मुलाकात है, फिर बिलावल सीएम हाउस के अंदर जो है वो एक बड़ी बैठक लगनी है, उस पर ज़रा ये बताते हैं कि किसी न किसी किस्म के ऑर्डिनेंस के ऊपर जो है वो गुफ्तगू होनी है, कानूनी माहिरीन भी वहाँ पर मौजूद होंगे। अब देखना यह है कि साबिक सदर की अगर बात की जाए आसिफ जरदारी की, मौलाना फजल रहमान की और इस वक्त मौजूदा वजीर अजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की, इन तीनों का जो टेलीफोनिक रबता हुआ है खालिद महमूद सिद्दीकी से, ये कितना कारामा साबित होता है इनके पाकिस्तान के लिए? वक्फा, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे।